हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? हाँ जी, क्या हाल चाल है आप लोगों के? हाँ जी बताइए। बढ़िया, मैं भी बहुत बढ़िया। हाँ जी, आइए आइए, फटाफट आइए जी, आइए इकट्ठे होइए, चल फटाफट। हाँ जी, करें स्टार्ट। बताइए बच्चों, करें स्टार्ट। हाँ जी चलिए जी। लास्ट क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था? लास्ट क्लास में हमने टॉपिक किया था सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस। ठीक है जी, समझ में आया सेल ऑफ उस कॉन्सेप्ट, सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस। साथ साथ हमने स्टार्ट कर दिया था अपने डिस्कशन ऑन बिल्स ऑफ एक्सचेंज। हमने बिल्स ऑफ एक्सचेंज की चर्चा स्टार्ट कर दी थी। वैसे हमने ज्यादा कुछ किया नहीं था, एक डेफिनेशन ही देखी थी कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज होते क्या है। दोबारा हम करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आइए जी, दोबारा हम स्टार्ट कर। बिल्स ऑफ एक्सचेंज का क्या मतलब हुआ? बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक क्या होते हैं? अनकंडीशनल ऑर्डर इन राइटिंग। अनकंडीशनल ऑर्डर इन राइटिंग, जिसमें क्या लिखा होता है? जिसमें लिखा होता है प्रॉमिस टू पे। प्रॉमिस होता है पे करने का। क्या पे करने का? सर्टेन सम ऑफ मनी। सर्टेन सम ऑफ मनी किसको? टू द पर्सन, ठीक है जी, और टू द ऑर्डर ऑफ सच पर्सन, और टू द बियरर ऑफ इंस्ट्रूमेंट। मतलब तीन लोग हैं। पहला, जिस पर्सन के ऊपर लाइबिलिटी है, जिस पर्सन को पे करने हैं उसको पे कर दीजिए, या फिर अगर पर्सन बता दे कि जी मेरी बिहाफ पे किसी और को पे कर दीजिए, उसको भी पे कर सकते हैं। एंड द थर्ड वन इज बियरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, मतलब जो इंस्ट्रूमेंट लेकर आएगा मेरे पास, हम तो उसे पैसे दे देंगे। ठीक है जी, अब बिल्स ऑफ एक्सचेंज कौन ड्रॉ करता है? बिल्स ऑफ एक्सचेंज कौन ड्रॉ करता है? मान लीजिए ए ने बी को गुड सेल करे, तो ए सेलर विल ड्रॉ अ बिल ऑफ एक्सचेंज। अब बिल एक ऑर्डर ड्रॉ करेगा। क्या ऑर्डर ड्रॉ करेगा? बी ने प्रॉमिस किया। अच्छा दोबारा देखते हैं, ए ने बी को गुड्स बेचे 10,000 रुपीज के, तो बी प्रॉमिस करेगा, वादा करेगा ए को कि मैं आपको 10,000 रुपए दे दूंगा। ए बोलता है ठीक है जी, बट ए क्या बोलेगा कि आप मेरे को ये बात लिखित में दे दो, आप मेरे को ये बात रिटर्न में दे दो। ए एक ऑर्डर निकाल देता है, एक ऑर्डर लिख देता है, ए एक ऑर्डर लिख देता है दैट बी विल पे द सम ऑफ ₹10,000। ठीक है जी, एंड बी उसको साइन कर देता है। बी उसको क्या कर देता है? साइन कर देता है कि ठीक है जी, मैं पैसे देने के लिए तैयार हूं। उस डॉक्यूमेंट को क्या कहलाएंगे? बिल ऑफ एक्सचेंज। मतलब सिर्फ ऑर्डर बना देना बिल ऑफ एक्सचेंज नहीं है। बिल ऑफ एक्सचेंज कब बनता है? ऑर्डर बनाने के बाद, जब वो ऑर्डर एक्सेप्ट कर लिया जाता है, जब वो ऑर्डर एक्सेप्ट कर लिया जाता है, तब वो क्या कहलाता है? अ वैलिड बिल ऑफ एक्सचेंज। आइए जी, इसकी हमने डेफिनेशन देखी थी। क्या डेफिनेशन देखी थी अगर आप लोगों को याद हो तो? अ बिल ऑफ एक्सचेंज इज एन अनकंडीशनल ऑर्डर इन राइटिंग डायरेक्टिंग अ पर्सन टू पे स्पेसिफाइड सम ऑफ मनी टू अ पर्सन और टू द ऑर्डर ऑफ सच पर्सन और टू द बियरर ऑफ इंस्ट्रूमेंट। अच्छा बताइए जी, ये डेफिनेशन हम लिख चुके थे, समझा भी दी थी। वैसे ये डेफिनेशन क्या है? इट्स एन अनकंडीशनल ऑर्डर, एक अनकंडीशनल ऑर्डर राइटिंग में, जिसमें डायरेक्शन दी गई है किसी पर्सन को कि आपको पैसा पे करना है, या तो पर्सन को या उसके बिहाफ पर किसी पर्सन को, या जो इंस्ट्रूमेंट लेकर आएगा उसे पे कर दिया जाएगा, जिसे बोलते हैं बियरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। क्या बोलते हैं जी? बियरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। मान लीजिए मिस्टर ए, दो पार्टीज हमारे पास, मिस्टर ए एंड मिस्टर बी। मिस्टर ए इज सेलर एंड मिस्टर बी इज बायर। मिस्टर ए ने मिस्टर बी को क्रेडिट सेल ऑफ
गुड्स मान लीजिए 10,000 रुपए। मिस्टर ए सेलर, इसने बी को गुड्स बेचे। मिस्टर ए ने बी को गुड्स सेल करे 10,000 रुपीज के ना। अब क्या हुआ, अब बी ने ए को प्रॉमिस कर दिया, कैश नहीं दिया, क्रेडिट सेल बोल रहे हैं। बी ने ए को क्या कर दिया, प्रॉमिस कर दिया कि मैं आपको 10,000 रुपए दे दूंगा। ठीक है जी, प्रॉमिस, प्रॉमिस टू पे रुपीज 10,000 विद इन, मान लीजिए टाइम ले लेते हैं, विद इन 3 मंथ्स, कि आपको मैं 3 महीने के अंदर अंदर पैसे दे दूंगा। मिस्टर ए बोलता है कि जी ये चीज तो ठीक है, बट आप मुझे ये बात रिटर्न में दे दीजिए, लिखित में दे दीजिए। अब मिस्टर ए ने बोला कि अगर आपको समस्या है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं एक ऑर्डर कर देता हूं, मैं एक ऑर्डर निकाल देता हूं, मैं एक ऑर्डर निकाल देता हूं जिस पर मैं लिख दूंगा कि मिस्टर बी पैसे देंगे 10,000 रुपए 3 महीने के अंदर अंदर। अब इस ऑर्डर को मिस्टर बी क्या करेगा, एक्सेप्ट कर लेगा। क्या करेगा जी, एक्सेप्ट कर लेगा। और ये क्या बन जाएगा, आफ्टर एक्सेप्टेंस, क्या बोला मैंने, आफ्टर एक्सेप्टेंस दिस विल बी कॉल्ड एज अ बिल ऑफ एक्सचेंज। क्या बोला जाएगा, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। क्लियर है जी। अब बिल ऑफ एक्सचेंज का फॉर्मेट कैसे बनाया जाता है, जनरली ये बनाया जाता है इस तरीके से। हाँ जी, ये बनाया जाता है। ऑर्डर किससे दिया, ऑर्डर दिया गया मिस्टर बी को। मिस्टर बी लिख रहा है यहां पर, आई प्रॉमिस टू पे रुपीज 10,000 टू मिस्टर ए विद इन 3 मंथ्स। क्लियर है जी। अब यहां क्या हो गया, मिस्टर ए, ठीक है जी, बनाया किसने, मिस्टर ए ने, ऑर्डर किसने दिया, मिस्टर ए ने, और मिस्टर बी ने उसे एक्सेप्ट कर लिया। यहां मिस्टर बी अपने साइन कर देगा, मिस्टर डी। ठीक है जी, इस तरीके का लगभग फॉर्मेट होता है किसका, बिल ऑफ एक्सचेंज का। अब हमें एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन देखनी है, हु आर द पार्टीज टू बिल ऑफ एक्सचेंज। क्या देखेंगे अब हम, पार्टीज टू बिल ऑफ एक्सचेंज, कौन कौन सी पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं, पार्टीज टू बिल्स ऑफ एक्सचेंज। देर आर थ्री पार्टीज टू बिल ऑफ एक्सचेंज, कौन कौन सी जी, थ्री पार्टी टू बिल ऑफ एक्सचेंज। सबसे पहला, जो ऑर्डर लिख रहा है, जो ऑर्डर दे रहा है, जो बिल बना रहा है, जिसे बोलते हैं हम ड्रॉअर। क्या बोलते हैं जी, ड्रॉअर, या फिर सेलर, या फिर सेलर। ठीक है जी, ड्रॉअर या सेलर कौन, हु राइट्स अ बिल, जो बिल लिखता है। तो हमारे केस में, लिखा किसने, मिस्टर ए ने, तो मिस्टर ए विल बी द ड्रॉअर। ठीक है जी, सेकेंड पर्सन इज ड्रॉई, कौन हो गया जी, ड्रॉई, या फिर बोलते हैं हम जिसे बायर, क्या बोलते हैं जी, बायर, हु द पर्सन ऑन हुम बिल इज रिटर्न, जिस पर्सन के ऊपर बिल लिखा गया है, जिस पर्सन को ऑर्डर दिया गया है, या फिर आप बोल सकते हैं द पर्सन हु एक्सेप्ट द ऑर्डर, हु एक्सेप्ट द ऑर्डर, जो ऑर्डर को एक्सेप्टेंस दे देता है, जो ऑर्डर को स्वीकार कर लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है, हु एक्सेप्ट द ऑर्डर। हमारे केस में मिस्टर बी। ठीक है जी, दो पार्टी तो समझ में आती है, जिसने बिल लिखा, जिसने ऑर्डर दिया, और जिसने एक्सेप्ट किया। थर्ड पर्सन इज पेई, पेई मतलब जिसको पैसा मिलेगा, जिसको पैसा मिलेगा, हु विल रिसीव द पेमेंट, जिसको पैसा मिलेगा। क्या बोला मैंने, जिसको पैसा मिलेगा। ठीक है जी, अब हमारे केस में पैसा मिलना था मिस्टर ए को, बट मिस्टर ए ये भी बोल सकता है कि आप
मेरे बिहाफ पे सी को पेमेंट कर देना, आप मेरे बिहाफ पे सी को पेमेंट कर देना। मान लीजिए मिस्टर ए ने किसी से गुड्स खरीदे हैं, तो वो बोल देगा कि मिस्टर बी आप मेरे बिहाफ पे मिस्टर सी को पेमेंट कर देना, जिसे हम बोलते हैं ऑर्डर, जिसे हम क्या बोलते हैं ऑर्डर ऑफ सच पर्सन, मिस्टर सी, इसे बोलेंगे हम ऑर्डर ऑफ सच पर्सन। या फिर होता है बियरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। अगर इसने कुछ भी नहीं लिखा, अगर बिल पर ये नहीं मेंशन्ड कि किसको पेमेंट करी जाएगी, तो जो हमारे पास, जो मिस्टर बी के पास इंस्ट्रूमेंट लेकर आएगा, ऑर्डर लेके आएगा, बिल लेकर आएगा, उसको पेमेंट कर दिया जाएगा। तो उस पर लिख दिया जाता है इट इज अ बियरर इंस्ट्रूमेंट। क्या बोला जाता है जी? इट इज अ बियरर इंस्ट्रूमेंट। हाँ जी, हु विल रिसीव द पेमेंट, जिसको पैसा मिलेगा वो कौन हो जाएगा? मिस्टर, वो कौन हो जाएगा? पेई। तो हमारे केस में मिस्टर ए भी हो सकता है, मिस्टर सी भी हो सकता है, या फिर बेरर भी हो सकता है। हाँ जी, इन सम केसेस, कभी कभी क्या होता है, अब आप समझ गए होंगे, इन सम केसेस ड्रॉअर एंड पेई इज सेम, ड्रॉअर एंड पेई आर सेम पर्सन, मतलब सेलर ही पेई हो जाता है जब सेलर ने कोई किसी और को पेमेंट करने का ऑर्डर नहीं दिया और कोई इंस्ट्रूमेंट बियरर इंस्ट्रूमेंट नहीं है, तो सेलर और पेई, ड्रॉअर और पेई ही क्या हो जाते हैं? क्या हो जाते हैं? दोनों के दोनों ही सेम पर्सन हो जाते हैं। ये था हमारा बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है और इसमें कौन कौन सी पार्टीज इन्वॉल्व होती है। ठीक है जी, क्लियर हुआ बिल्स ऑफ एक्सचेंज? बताइए जी, आई क्या सर, चैप्टर खत्म हुआ? अभी नहीं, चैप्टर खत्म हुआ अभी, तो इसमें बहुत कुछ है पढ़ने वाला, बड़ा ही इंटरेस्टिंग, बड़ा ही प्यारा, बड़ा ही इजी टॉपिक, मेरे को पर्सनली बहुत पसंद है चैप्टर। नेक्स्ट टॉपिक इज प्रॉमिसरी नोट। अब ये प्रॉमिसरी नोट क्या होता है? प्रॉमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज में कुछ भी खास फर्क नहीं है, सिर्फ एक पॉइंट का फर्क है। कौन से एक पॉइंट का फर्क है? आइए जी देखते हैं, एक एग्जांपल से समझेंगे इस कॉन्सेप्ट को, प्रॉमिसरी नोट को। हाँ जी, क्या एग्जांपल? हमारे पास दो पार्टीज हैं, मिस्टर एस एंड मिस्टर बी। मिस्टर एस इज सेलर, मिस्टर एस क्या है? सेलर है, एंड मिस्टर बी इज बायर। मिस्टर एस ने मिस्टर बी को क्रेडिट सेल करी, क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स ऑफ ₹30,000। नाउ मिस्टर बी ने मिस्टर एस को क्या किया? प्रॉमिस किया, प्रॉमिस प्रॉमिस टू पे रुपीज, प्रॉमिस टू पे ₹30,000, प्रॉमिस टू पे ₹30,000 विद इन 3 months। ठीक है जी, 3 महीने के अंदर अंदर ₹30,000 पे कर देंगे। अब बिल्स ऑफ एक्सचेंज में क्या होता था कि मिस्टर एस बोलता था जी मुझे ये बात लिखित में दे दो, रिटर्न में दे दो, और इस रिटर्न में बात देने के लिए मैं आपको एक ऑर्डर लिख के देता हूं और आप मिस्टर बी इसको एक्सेप्ट कर लेना। प्रॉमिसरी नोट में क्या हुआ? मिस्टर बी ने बोला कि मिस्टर एस आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं ये बात रिटर्न में दे दूंगा, मैं खुद ही इसे लिखकर दे दूंगा। यानी कि कौन राइट कर रहा है? बायर, मिस्टर बी ही राइट कर रहा है। क्या राइट कर रहा है? क्या लिख रहा है? प्रॉमिस लिख रहा है। क्या लिख रहा है जी? प्रॉमिस लिख रहा है। फर्क समझे क्या हुआ? बिल्स ऑफ एक्सचेंज के केस में सेलर बिल ड्रॉ करता था, बट प्रॉमिसरी नोट के केस में मिस्टर, प्रॉमिसरी नोट के केस में बायर प्रॉमिस लिखता है। तो लिखने वाली पार्टीज में फर्क हो गया। किसमें फर्क हो गया जी? लिखने वाली पार्टीज में फर्क हो गया। अब इसकी डेफिनेशन क्या दी गई है, एक बार देखते हैं इसकी डेफिनेशन। प्रॉमिसरी नोट इज डिफाइंड एज, ये लॉ से उठाई गई है डेफिनेशन। कौन सा लॉ इसमें लगता है? हमने बताया था लास्ट क्लास में, अगर आप लोगों को याद हो तो, याद है कौन सा लॉ लगता है?
नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट कौन सा लगता है जी? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, ये आपके सीएआईपीसी का पार्ट भी है, तो आपको सीएआईपीसी में पढ़ना होगा। हाँ जी, अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं क्या कहती है। प्रोमिसरी नोट इज एन इंस्ट्रूमेंट, क्या है जी? इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग, इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग कंटेनिंग एन अनकंडीशनल अंडरटेकिंग, कंटेनिंग एन अनकंडीशनल अंडरटेकिंग। फर्क क्या हुआ? बिल्स ऑफ एक्सचेंज के केस में क्या होती थी? अनकंडीशनल ऑर्डर होता था। क्या होता था जी? अनकंडीशनल ऑर्डर होता था। बट प्रॉमिसरी नोट के केस में क्या है जी? अनकंडीशनल अंडरटेकिंग। क्या है? अनकंडीशनल अंडरटेकिंग, ठीक है जी? अनकंडीशनल अंडरटेकिंग साइंड बाय द मेकर, जिसने बनाई वो साइन करेगा इस पे टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी, टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी ओनली टू और टू द ऑर्डर ऑफ पर्सन, या तो उस पर्सन को पे करी जाए या उसके ऑर्डर पे किसी और को पे करी जाए, और टू द ऑर्डर ऑफ पर्सन और टू द बेरर ऑफ इंस्ट्रूमेंट, और टू द बेरर ऑफ इंस्ट्रूमेंट, ठीक है जी? क्या कहती है डेफिनेशन? प्रॉमिसरी नोट इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग कंटेनिंग एन अनकंडीशनल अंडरटेकिंग, कंटेनिंग एन अनकंडीशनल अंडरटेकिंग। बट बिल्स ऑफ एक्सचेंज में क्या होता था? अनकंडीशनल ऑर्डर होता था, साइंड बाय द मेकर, जिसने बनाया। और बिल्स ऑफ एक्सचेंज में कौन बनाता था जी? सेलर बनाता था। और प्रॉमिसरी नोट के केस में कौन बनाता था? बायर बनाता था। टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी ओनली टू मतलब उसी पर्सन को, या फिर और टू द ऑर्डर ऑफ सच पर्सन, या उसके ऑर्डर पे किसी और पर्सन को, और टू द बियरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, मतलब जो इंस्ट्रूमेंट हमारे पास लेकर आएगा उसको पैसा दे दिया जाएगा। क्लियर है जी? ये था प्रोमिसरी नोट के डेफिनेशन। अब आती है पार्टीज टू प्रोमिसरी नोट। जैसे हमने देखा था पार्टीज टू बिल ऑफ एक्सचेंज, हु आर द पार्टीज टू प्रोमिसरी नोट? हाँ जी, प्रोमिसरी नोट के केस में सिर्फ दो पार्टीज होती हैं। सबसे पहली इज मेकर, जो बना रहा है, जो बना रहा है। द पर्सन हु मेक्स और राइट्स द प्रॉमिस, जिसने वादा लिखा, जिसने वादा लिखा वो क्या बन जाएगा? मेकर। मेकर हमारे केस में मेकर कौन? मिस्टर बी। कौन? मिस्टर बी। सेकंड पेई, कौन हो गया? पेई, जिसको पैसा मिलेगा। द पर्सन टू होम अमाउंट इज टू बी पेड, जिसको पैसा मिलेगा, जिसको पैसा दिया जाएगा। हमारे केस में कौन था? मिस्टर एस। कौन था जी? मिस्टर एस। क्लियर? हाँ जी, ये था कंसेप्ट ऑफ प्रोमिजरी नोट, कि प्रोमिजरी नोट होता क्या है और हु आर द पार्टीज टू प्रोमिजरी नोट। अब मजे की बात क्या है, हमारे क्वेश्चंस में हमें यही नहीं पता लगेगा कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज है या प्रॉमिसरी नोट है, तो सर हम क्वेश्चन सॉल्व कैसे करेंगे? दोस्तों क्वेश्चन पे फर्क ही नहीं पड़ता कि वो बिल ऑफ एक्सचेंज है या प्रॉमिसरी नोट है। हर किसी के क्वेश्चन, हर किसी की अकाउंटिंग, चाहे वो बिल ऑफ एक्सचेंज हो चाहे वो प्रॉमिसरी नोट हो, सेम रहती है। क्या जी? बिल्कुल बिल्कुल सेम रहती है। हाँ, अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएगा तो आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, बट प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से वेदर इट इज अ बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रॉमिसरी नोट कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है जी? अब हमें आगे क्या देखना है? नेक्स्ट टॉपिक इज मैच्योरिटी डेट। अगला कंसेप्ट देखते हैं, मैच्योरिटी डेट एंड डेज ऑफ ग्रेस।
कि ये मेच्योरिटी डेट क्या होती है, डेज ऑफ ग्रेस क्या होते हैं, ये हम देखते हैं। आइए जी, द डेट ऑन विच, द डेट ऑन विच द बिल इज पेबल इज कॉल्ड मेच्योरिटी डेट। जिस डेट पर बिल की पेमेंट करी जाएगी, जिस डेट पर बिल का अमाउंट पेबल हो गया, पेमेंट नहीं करी जाएगी सॉरी, जिस डेट पर बिल पेबल हो गया, बिल का अमाउंट पेमेंट करने की लायबिलिटी अराइज हो गई, उस डेट को क्या बोलेंगे, मैच्योरिटी डेट। ठीक है जी, मैच्योरिटी डेट इज कैलकुलेटेड बाय एडिंग 3 days, और इन 3 days को बोलते हैं डेज ऑफ ग्रेस। मतलब बिल जब भी लिखा, जब बिल लिखा गया, उसमें लिखा जाता है टाइम पीरियड, उसमें लिखा जाता है क्या, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड खत्म होने के बाद 3 दिन का हम क्या दे देते हैं, ग्रेस पीरियड दे देते हैं कि 3 दिन आपको और दिए, पेमेंट कर दीजिए। वो 3 दिन ऐड करने के बाद हमारी क्या निकल के आएगी, एग्जैक्ट मेच्योरिटी डेट, कि भैया इस दिन पे आपका अमाउंट पेबल हो गया, इस दिन पर आपका अमाउंट पेबल हो गया। क्लियर है जी? हाँ जी बताइए। मान लीजिए एक एग्जांपल देख के चलते हैं। डेट ऑफ बिल थी हमारे पास, लेट अस से 13 जून, 13 जून। हाँ जी, नंबर ऑफ मंथ्स दे रखे हैं हमें 3 मंथ्स। अब मेच्योरिटी डेट क्या बनेगी, मेच्योरिटी डेट या जिसे हम बोलते हैं ड्यू डेट, मैच्योरिटी डेट बननी चाहिए कितनी, 3 महीने के हिसाब से, 13 जून के हिसाब से, जून जुलाई अगस्त एंड सितंबर, दैट इज 13 सितंबर, बट 3 दिन का ग्रेस पीरियड, क्या 3 दिन का ग्रेस पीरियड, 3 दिन और ऐड कर दीजिए, 13, 14, 15, 16, कितने दिन हो गए, 16, यानी कि 16 सितंबर आपकी क्या कहलाएगी, मैच्योरिटी डेट। क्लियर है जी? हाँ जी। अब बिल पेबल दो तरीके के होते हैं। बिल पेबल हमारे पास दो तरीके के होते हैं, एक होता है जी ऑन डिमांड और एक होता है एट टाइम। डिमांड पे पेमेंट कर दी, मतलब जब आप हमारे पास बिल लेके आएंगे आपको पैसा मिल जाएगा। और एक होता है एट टाइम, कि जो भी टाइम पीरियड मेंशन है उस टाइम पीरियड के बाद आप आएंगे तो आपको पैसा मिलेगा। अगर डिमांड पे बिल पेबल है तो उसे बोला जाता है डिमांड बिल, और अगर टाइम पे है तो उसे बोला जाता है टाइम बिल। डिमांड बिल के केस में हमने क्या बोला, जब आप हमारे पास लेकर आएंगे बिल तब आप पैसा पाएंगे, तब आपको पैसा मिल जाएगा, तो इसमें ग्रेस का मतलब ही नहीं हुआ। तो नो डेज ऑफ ग्रेस आर टू बी एडेड, कोई भी दिन ग्रेस के ऐड नहीं करे जाएंगे इन केस ऑफ डिमांड बिल। बट इन केस ऑफ टाइम बिल ऑलवेज ऐड डेज ऑफ ग्रेस। हाँ जी, इसमें फर्दर दो तरीके के बिल्स। पहला पेबल आफ्टर फिक्स्ड नंबर ऑफ डेज, और पेबल आफ्टर गिवन नंबर ऑफ मंथ्स। अगर डेज दे रखे हैं तो कैसे किया जाएगा, और अगर अपने मंथ्स का टाइम पीरियड दे रखा है तो कैसे किया जाएगा। इन केस ऑफ डेज आपको क्या फॉलो करना है, आपको फॉलो करना है
डेट ऑफ बिल, जो बिल की डेट है इसमें ऐड कर दीजिए, इसके अंदर ऐड कीजिए क्या, स्टेटेड नंबर ऑफ डेज, जो भी हमने डेज लिए थे पेमेंट करने के, स्टेटेड नंबर ऑफ डेज प्लस 3 डेज, दैट इज ग्रेस पीरियड। क्लियर है जी? बिल की डेट प्लस स्टेटेड नंबर ऑफ दिन। अब हम दिन की बात कर रहे हैं, अब हम 13 जून जैसा हमने लास्ट एग्जांपल लिया था उसमें हमने मंथ्स लिए थे, अगर उसमें दिन होते तो हम एक-एक दिन काउंट करके चलते। क्या करते जी? एक-एक दिन काउंट करके चलते। अगर तो नंबर ऑफ मंथ्स का केस है तो आपको कैसे लेना है, डेट ऑफ बिल, डेट ऑफ बिल इसमें ऐड कर दीजिए नंबर ऑफ मंथ, एक-एक दिन नहीं सिर्फ महीने से बढ़ा दीजिए, नंबर ऑफ मंथ्स प्लस 3 डेज। हाँ जी, प्लस 3 डेज, बताइए जी, क्लियर हुआ? हाँ जी, क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, मैच्योरिटी डेट का और डेज ऑफ ग्रेस का। एमसीक्यू क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट यहां से बन सकता है, इंपॉर्टेंट नोट लिखेंगे, दो पॉइंट्स लिखेंगे, इंपॉर्टेंट नोट। सबसे पहले, इफ मैच्योरिटी डेट इज अ पब्लिक हॉलिडे, पब्लिक हॉलिडे मतलब सरकारी छुट्टी, जैसे कि 26 जनवरी होगी, 15 अगस्त हो गई, 2 अक्टूबर हो गई, और बताइए जी, गवर्नमेंट हॉलीडे मान लीजिए 3 ही है। इफ मैच्योरिटी डेट इज अ पब्लिक हॉलीडे देन मैच्योरिटी डेट विल बी द प्रीसीडिंग डे, मतलब अगर पब्लिक डेट पर, अगर पब्लिक हॉलीडे पर मैच्योरिटी डेट फॉल करती है तो मैच्योरिटी डेट को क्या माना जाएगा, एक दिन पहले, क्या माना जाएगा जी, एक दिन पहले। इफ मैच्योरिटी डेट इज अ सडन हॉलीडे, अनफोर्सीन हॉलीडे, इमरजेंसी छुट्टी होगी, इमरजेंसी छुट्टी डिक्लेयर कर दी गई, अनफोर्सीन हॉलीडे या आप कह सकते हैं सडन हॉलीडे, देन मैच्योरिटी डेट विल बी द नेक्स्ट सक्सीडिंग डे, नेक्स्ट डे पर फॉल कर जाएगी। बताइए जी, क्लियर? हाँ जी, क्लियर यहां तक की बात है? मेजोरिटी डेट, डेज ऑफ ग्रेस का कंसेप्ट क्लियर हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, क्लियर हुआ यहां तक? हाँ जी, आइए जी, नेक्स्ट। अब हम देखते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे किया जाएगा, ये कराने के लिए, समझाने के लिए मैं पहले आप लोगों के साथ एक क्वेश्चन लेता हूं, एक एग्जांपल लेता हूं। एक है मिस्टर एस एंड एक है मिस्टर बी। मिस्टर एस सेलर एंड मिस्टर बी बायर, ठीक है जी। मिस्टर एस ने मिस्टर बी को गुड्स बेचे, गुड्स सोल्ड फॉर रुपीज 10,000, 10,000 रुपए के गुड्स बेचे एंड ड्रॉ अप ऑन हिम अ बिल, एक बिल भी ड्रॉ कर दिया, एक क्या कर दिया, बिल भी ड्रॉ कर दिया 3 मंथ्स आफ्टर डेट, ठीक है जी, एक बिल भी ड्रॉ कर दिया 3 महीने बाद का। एंड मिस्टर बी ने क्या किया, मिस्टर बी ने एक्सेप्ट कर लिया, मिस्टर बी ने एक्सेप्ट कर लिया, एक्सेप्टेड प्लस पेमेंट, प्लस पेमेंट, ठीक है जी।
अब इवेंट्स कौन कौन से हुए हमारे पास, इवेंट्स कौन कौन से हुए, कौन कौन सी घटना घटित हुई। सबसे पहली गुड्स बेचे, सबसे पहला क्या हुआ, गुड्स सेल करे। सेकंड, जब बिल ड्रॉ किया, जब बिल ड्रॉ किया। थर्ड, जब बिल एक्सेप्ट किया गया। एंड द फोर्थ इज जब पेमेंट कर दी गई। एक-एक इवेंट की हम अकाउंटिंग एंट्रीज देखेंगे, आप ऑटोमेटिकली अकाउंटिंग एंट्रीज समझ जाएंगे। आइए साइमल्टेनियसली हम दोनों की करेंगे, सेलर की भी बुक्स बनाएंगे और बायर की भी बुक्स बनाएंगे। एक टेबुलर फॉर्म में बनाएंगे हम इसे। अब ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ मिस्टर एस, दैट इज सेलर, और यहां लिखिए जी इन द बुक्स ऑफ मिस्टर बी, दैट इज बायर। कौन कौन सी ट्रांजेक्शन करेगी? सबसे पहली ट्रांजेक्शन, मिस्टर एस सोल्ड गुड्स टू मिस्टर बी। ठीक है जी, मिस्टर एस ने मिस्टर बी को गुड्स बेची। मिस्टर एस के लिए क्या है, सेल्स है। एंट्री क्या पास करी जाएगी, मिस्टर बी डेबिट टू सेल्स। मिस्टर बी डेबिट टू सेल्स कितने रुपए की थी, 10,000 का था। हाँ जी 10,000। एंड मिस्टर बी के लिए क्या हुई, परचेज हुई, परचेज डेबिट टू मिस्टर एस 10,000। सर मजे की बात क्या है, ये एंट्री तो मैं आती थी, क्या आप ये एंट्री सिखाएंगे? जी नहीं, ये एंट्री थोड़ी ना सिखानी है, ये तो आप लोगों को आती है, हमें एंट्री सिखानी है ये वाली जो अब हम करेंगे। हाँ जी, नेक्स्ट हमारी ट्रांजेक्शन क्या थी, मिस्टर एस ड्रॉज अ बिल। एक बिल ड्रॉ किया गया, एक बिल बनाया गया, एक ऑर्डर दिया गया, अभी वो ऑर्डर एक्सेप्ट नहीं हुआ। दोनों बातें डिफरेंट है, ऑर्डर बनाना और ऑर्डर एक्सेप्ट करना। ऑर्डर बनाना तो हम लिख, सेलर ने लिख के दे दिया, अब बायर उसे एक्सेप्ट ही नहीं करे तो वो क्या वैलिड बिल ऑफ एक्सचेंज बनेगा? जी नहीं बनेगा। तो अभी क्या हुआ, सिर्फ ऑर्डर बनाया, बिल बनाया। तो जब बिल बनाया गया तब नो एंट्री, कोई भी एंट्री पास नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वो कुछ डॉक्यूमेंट बना ही नहीं, कोई बिल ऑफ एक्सचेंज बना ही नहीं, तो दोनों के केस में यहां पर नो एंट्री। नेक्स्ट, अब क्या हुआ, मिस्टर बी एक्सेप्टेड बिल ड्रॉन बाय मिस्टर एस। मिस्टर बी ने बिल को एक्सेप्ट कर लिया, मिस्टर एस ने बिल ड्रॉ किया और मिस्टर बी ने उसको एक्सेप्ट कर लिया। अब क्या हुआ, अब वो क्या कहलाएगा, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बिल ऑफ एक्सचेंज का रूप ले लेगा। क्या ले लेगा जी, बिल ऑफ एक्सचेंज का रूप ले लेगा। अब पैसा किसको मिलना है, पैसा मिलना किसको है, मिस्टर एस को मिलना है। तो मिस्टर एस के लिए क्या हो जाएगा, एक असेट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, रिसीवेबल, असेट रिसीवेबल, किससे, मिस्टर बी से। पहले मिस्टर बी को क्या बना रखा था हमने, डेटर बना रखा था। अब डेटर की जगह है, उससे क्या हो गया, बिल मिल गया। तो क्या बोलेंगे, बिल्स रिसीवेबल, जिसको पैसा मिलना है उसके लिए क्या बन जाएगा, बिल्स रिसीवेबल, किससे, मिस्टर बी से 10,000। अब मिस्टर बी के लिए क्या बनेगा, लाइबिलिटी खड़ी हो जाएगी। पहले लाइबिलिटी क्या थी, मिस्टर एस, अब मिस्टर एस लाइबिलिटी नहीं रही, अब क्या बन गया, बिल्स पेबल 10,000। क्लियर है जी, समझ में आया। नाउ जब पेमेंट कर दी गई, जब पेमेंट कर दी गई उसे बोलते हैं ऑनर्ड, व्हेन
इज ऑनर्ड जब पेमेंट कर दी गई, तो मिस्टर एस को क्या मिल जाएगा? पैसा मिलेगा, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट? टू, किसके अगेंस्ट में पैसा मिला? बिल रिसीवेबल के अगेंस्ट। कितना? 10,000। और मिस्टर बी ने क्या करा? पेमेंट कर दी, अपनी लायबिलिटी को खत्म कर दिया, बिल्स पेबल। डेबिट टू कैश या फिर बैंक, कितने से जी? 10,000 से। मजे की बात क्या हुई? हाँ जी, मजे की बात हुई, हमने पहली एंट्री कर रखी है, पहली एंट्री ऑलरेडी हमें आती है, सेकंड एंट्री कुछ करनी नहीं है, हमें एंट्री कौन कौन सी समझनी है, सिर्फ थर्ड एंड फोर्थ, सिर्फ ये दो एंट्री हमें समझ। समझ में आया? क्या इसमें कुछ समझने वाला था? रटना कुछ भी नहीं है, सिर्फ कंसेप्ट दिमाग में घुसना चाहिए बिल्स ऑफ एक्सचेंज का। बताइए जी, बताइए, समझ में आया? आइए जी, अब लिखते हैं हम अपना कंसेप्ट, जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्रीज कैसे करी जाएंगी? अब आप नोटिंग कीजिए, टेबुलर फॉर्म में बना लेंगे, थ्री कॉलम्स बनाएंगे, एक तो होगी हमारे पास ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन्स, बुक्स ऑफ, किसकी बुक्स? जिसने बिल लिखा, दैट इज ड्रॉअर, सेलर भी हो सकता है, या क्या कहलाएगा वो? क्रेडिटर। क्या कहलाएगा? क्रेडिटर, जिसको पेमेंट करनी है, जिसको पेमेंट करनी है, क्या हो जाता है वो? क्रेडिटर। बुक्स ऑफ ड्रॉई, जिसने बिल एक्सेप्ट करा, बायर, जिसने गुड्स खरीदे थे, और डेटर, जिससे पैसे लेने, या मेकर भी बोल सकते हैं, मेकर भी हो सकते हैं। आइए, सबसे पहली ट्रांजेक्शन, व्हेन गुड्स आर सोल्ड, एक के लिए सेल हो तो दूसरे के लिए क्या होंगे? परचेज होंगे। जब गुड्स सेल करेंगे तो क्या एंट्री पास करी जाएगी? बायर अकाउंट डेबिट, बायर से पैसे लेने हैं, बायर अकाउंट डेबिट टू सेल्स, टू सेल्स। बताइए जी, बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, बायर के लिए क्या एंट्री पास करेंगे? बायर के लिए परचेज होगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू सेलर। बीइंग गुड्स, परचेज ऑन क्रेडिट, ये तो कोई समझने वाली बात थी नहीं, बड़ा सिंपल कंसेप्ट। नेक्स्ट, सेकेंड एंट्री क्या बनेगी? व्हेन व्हेन द बिल इज ड्रॉन ऑब्लिक एक्सेप्टेड, जब बिल ड्रॉ किया गया, एक्सेप्ट किया गया, व्हेन द बिल इज ड्रॉन, तो एंट्री क्या पास करी जाएगी? बिल्स रिसीवेबल, जिसने बिल ड्रॉ किया उसके लिए क्या बन जाएगा? बिल रिसीवेबल टू बायर, टू बायर, बीइंग बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड। ये एंट्री तब ही पास होगी जब बायर ने बिल को एक्सेप्ट कर लिया है, खत्म
खाली अगर ऑर्डर ड्रॉ किया है, खाली अगर बिल लिखा है, तब कोई एंट्री पास नहीं करेगा, क्योंकि वो वैलिड बिल ऑफ एक्सचेंज बनता ही नहीं है। वैलिड बिल ऑफ एक्सचेंज कब बनेगा? जब बिल एक्सेप्ट कर लिया जाए। तो ड्रॉई के केस में क्या होगा? सेलर डेबिट, सेलर भी लिख सकते हैं आप, ड्रॉअर भी लिख सकते हैं, टू बिल्स पेबल। हाँ जी, यहां पर आप ड्रॉई और ड्रॉअर वर्ड यूज करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बायर सेलर पहली एंट्री में ठीक रहेगा। यहां पर आप लिखिए ड्रॉइंग और यहां पर लिखिए ड्रॉ। बिंग बिल एक्सेप्ट, ठीक है। नाउ थर्ड एंट्री, थर्ड में ए पार्ट, थर्ड में ए पार्ट, दो पार्ट्स हैं थर्ड के। सबसे पहली, इफ द बिल इज ऑनर्ड ऑन ड्यू डेट, ड्यू डेट पे बिल के अगेंस्ट में पैसा मिल गया, ड्यू डेट में बिल के अगेंस्ट में पैसा मिल गया, तो एंट्री क्या पास करी जाएगी? ड्रॉअर को तो पैसा मिल जाएगा, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। बिंग बिल ऑनर्ड, और ड्रॉइंग के लिए क्या होगा? पेमेंट हो जाएगी, बिल्स पेबल टू कैश। बिंग बिल ऑनर्ड, थ्री बी, सर थ्री बी क्या है ये? सर ऐसा भी हो सकता है क्या कि पैसा ना आए? ऐसा भी हो सकता है कि पैसा ना आए? जी हाँ, हो सकता है। क्या एंट्री पास करी जाएगी? इफ द बिल इज डिसऑनर्ड, क्या कर दिया जाए? बिल डिसऑनर्ड ऑन ड्यू डेट, मतलब पैसा नहीं आया। क्या किया जी? पैसा नहीं आया। जो मेरे पास बिल ऑफ एक्सचेंज आ गया था उसके केस में पैसा ही नहीं आया, तो मेरे लिए वो बिल ऑफ एक्सचेंज क्या हो गया? सेलर के लिए बिल ऑफ एक्सचेंज क्या हो गया? वो तो कहेगा ये तो सिर्फ खराब कागज का टुकड़ा है, ये तो खराब हो गया, ये तो क्या हो गया? खराब हो गया। तो वो क्या करेगा? वो कहेगा ड्रॉई ड्रॉई, मुझे तो अभी भी आपसे पैसे लेने हैं, मुझे तो अभी भी आपसे पैसे लेने हैं, आप ले जाइए अपना बिल्स रिसीवेबल, मुझे इसका कुछ नहीं करना, मैंने इसको कर दिया जी खत्म कर दिया। मजबूरी आ गई ड्रॉई की, ड्रॉई बोलेगा हो तो मुझसे गलती गई, तो मेरे लिए भी बिल ऑफ बिल पेबल तो कुछ बचा ही नहीं, खत्म कर दीजिए मेरे को, तो फिर दोबारा ड्रॉअर को पैसे देने पड़े, ड्रॉअर को पैसे देने पड़ गए, लाइबिलिटी अराइज होगी। अब यहां पर एक नया कंसेप्ट जन्म लेता है, किसका? नोटिंग चार्जेस का। क्या है जी? नोटिंग चार्जेस। नोटिंग चार्जेस क्या होते हैं? आप बिल ऑफ एक्सचेंज लेकर गए, सेलर की बात करते हैं, सेलर ने एक ऑर्डर लिखा, बायर ने उसको एक्सेप्ट किया, तो वो क्या कहलाएगा? हमारा वैलिड बिल ऑफ एक्सचेंज कहलाएगा, ठीक है जी। अब जब पेमेंट की बारी आई, जब ड्यू डेट की बारी आई, तो बायर ने बोल दिया जी मैं पैसे नहीं दे सकता, मेरे पास पैसा नहीं है। सेलर बोलेगा ये तो आपने मेरे को बेवकूफ बना दिया, ये क्या तरीका है आपका? वो कर देगा कोर्ट में ले जाएगा, वो कह देगा मैं तो कोर्ट केस कर दूंगा आपके ऊपर। बायर बोलता है जाइए जी कोर्ट में ले जाइए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कोर्ट में ले गया, जज साहब के सामने सेलर ने बिल रख दिया, तो जज साहब ने बोला कि ये क्या है, इस कागज के टुकड़े पर मैं कैसे विश्वास करूं, मैं कैसे इस कागज के टुकड़े पर विश्वास करूं, क्या आपने इसकी नोटिंग कराई? अब सेलर सर को जाने लग गया, सेलर कहेगा ये नोटिंग क्या होती है? जज साहब ने, वकीलों ने समझाया कि सर नोटिंग का मतलब क्या हुआ, कि आपने जब वादा रिटर्न में लिया, क्या कोई वकील, क्या कोई नोटरी पर्सन प्रेजेंट था जो इसकी गवाही दे सके, जो इसकी गवाही दे सके? सेलर बोलेगा कि ऐसा भी होता है,
बायर बोले कोर्ट बोलेगा जी बिल्कुल ऐसा ही तो होता है, नहीं तो आप तो कुछ भी कागज ले आएंगे तो मैं कैसे विश्वास कर लूं कि ये आप ठीक हो सकता है आप फालतू में बायर को फंसा रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। बायर सेलर समझ गया कि अच्छा जी ऐसा ही ऐसा करेंगे। अब सेलर अपने साथ एक नोटरी के पर्सन को ले गया कि सर चलिए आप मेरे साथ और आप चलिए मैं आपके सामने राइटिंग में प्रॉमिस लूंगा। अब सेलर बायर के पास गया और सेलर ने बोला कि बायर बायर आप मुझे वादा कर दीजिए राइटिंग में। बायर ने बोला ठीक है जी मैं 3 महीने बाद पेमेंट कर दूंगा। नोटरी का बंदा वहीं आ गया, नोटरी ने बोला जी हाँ लो स्टैंप लगा दीजिए, जी लीजिए स्टैंप लगा दीजिए। नोटरी की स्टैंप हो गई मतलब अब वो बिल क्या हो गया, नोटराइज्ड हो गया। अब बायर कुछ नहीं कर सकता, बायर हो गया सावधान। क्या हो गया जी, सावधान हो गया बायर। वो कहेगा कि अच्छा अब तो हुई है नोटरी, अब अगर मैंने पेमेंट नहीं करी तो मेरे को उठा के जेल में डाल देंगे, कोर्ट मेरे को सजा दे देगा। अब बायर जरूर पेमेंट करेगा। सेलर ने बोला कि जो मैंने नोटरी कराई अपने आप को सेफ करने के लिए कराई, इसका पैसा भी मैं किससे वसूल करूंगा, आपसे ही वसूल करूंगा अगर आपने पेमेंट नहीं करी तो। अगर आपने पेमेंट नहीं करी तो मैं इसका पैसा भी आपसे ही वसूल करूंगा। क्लियर है जी? तो सेलर के लिए क्या हो गया, सेलर के लिए पैसा जो नोटरी का उसने पे करा ड्रॉअर से लेना बनता है। क्या क्या पड़ता है जी, ड्रॉई से लेना बनता है, सॉरी ड्रॉई से लेना बनता है। बिल का तो पैसा लेगा ही लेगा प्लस जो नोटिंग करा दी उसका भी पैसा लेना बनता है। और ड्रॉई क्या बोलेगा, ड्रॉई बोलेगा कि मेरे को तो आपको दोनों पैसे देने पड़ेंगे, बिल के तो पैसे देने ही देने हैं, जो गुड्स आपसे खरीदे उसके तो पैसे देने ही देने हैं, प्लस जो नोटिंग चार्जेस पेमेंट करी है वो भी देनी पड़ेगी। और मेरे लिए क्या हो जाएगा, बायर के लिए क्या हो जाएगा, वो एक्सपेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, एक्सपेंस हो जाएगा। केस कब अराइज होगा, जब डिसऑनर हुआ। जब डिसऑनर हुआ तो नोटिंग चार्जेस जो पे करे थे वो ड्रॉअर ने कैश में पे करे, ठीक है जी, कैश में पे करे नोटिंग चार्जेस इफ एनी, अगर कोई है तो। सर क्या जरूरी होता है, जी नहीं जरूरी नहीं होता, बट सेफ करने के लिए नोटरी करा ली जाती है। और ड्रॉई के लिए क्या हो गया, ये एक्सपेंस हो गए, नोटिंग चार्जेस डेबिट इफ एनी। बताइए जी, क्लियर हुई डिसऑनर की एंट्री, नोटिंग चार्जेस का कंसेप्ट क्लियर हुआ, बताइए। हाँ जी बोलिए 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 बोलिए, क्लियर हुआ। हाँ जी यही थी हमारी क्या, अकाउंटिंग फॉर बिल ऑफ एक्सचेंज। क्या थी, अकाउंटिंग फॉर बिल ऑफ एक्सचेंज। सिर्फ 3 एंट्रीज, सिर्फ 3 एंट्रीज, टॉपिक समाप्त। अब इसमें हमें छोटे छोटे कंसेप्ट और देखने हैं, बट हमारा जो मेजरली पोर्शन था वो यहीं पर ही समाप्त हो गया। सर बड़ी जल्दी समाप्त हो गया दोस्तों, बड़ी जल्दी तो समाप्त हो गया, बट अभी हमने एक भी क्वेश्चन नहीं करा, हमने एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं करा, सारे ही कंसेप्ट ही समझा दिए हमने। अब हम आएंगे अपने क्वेश्चंस पे विद कंसेप्ट्स। आइए जी, नेक्स्ट हमारा कंसेप्ट अराइज होता है रिन्यूअल ऑफ बिल। रिन्यूअल ऑफ बिल का क्या मतलब, अब रिन्यूअल ऑफ बिल का कॉन्सेप्ट क्या कहता है। रिन्यूअल ऑफ बिल का मतलब पुराना बिल कैंसिल कर कर नया बिल बना देना। हाँ जी, पुराना बिल कैंसिल कर कर न्यू बिल बना देना। मान लीजिए सेलर ने एक बिल ड्रॉ किया बायर को और ड्यू डेट से पहले या ड्यू डेट पर बायर ने बोला दैट आई विल नॉट बी एबल टू पे द अमाउंट, मेरे पास अभी पेमेंट करने के लिए पैसे नहीं है, आप एक काम कीजिए मेरे को एक नया बिल दे दीजिए, मेरे को एक नया बिल दे दीजिए। सेलर एग्री कर जाता है, ठीक है जी आपको एक नया बिल दे देते हैं, बट सेलर बोलेगा कि भैया नया बिल तो दे दूं बट मेरी तो इंटरेस्ट कॉस्ट चली गई, मेरा तो पैसा ब्लॉक हो गया, तो मैं आपसे इंटरेस्ट भी चार्ज करूंगा। क्या करूंगा, इंटरेस्ट भी चार्ज करूंगा, ठीक है जी। इस पूरे कंसेप्ट को बोला जाता है क्या, रिन्यूअल ऑफ अ बिल। इट इज डिफरेंट, रिन्यूअल का मतलब ये नहीं डिसऑनर हो गया, डिसऑनर तो क्या हुआ, बताया ही नहीं, बट इस केस में रिन्यूअल के केस में बायर विल इन्फॉर्म द सेलर दैट मेरे पास पैसा देने के लिए अभी फंड्स की शॉर्टेज है, तो आप क्या कीजिए मेरे को एक्सटेंशन दे दीजिए, एक तरीके से आप मेरे को और टाइम दे दीजिए या मेरे को नया बिल प्रोवाइड कर दीजिए।
छोटा सा कंसेप्ट है। अकाउंटिंग तो देखो सारे कंसेप्ट में बिल्कुल सेम रहेगी। आइए इसको समझने के लिए क्वेश्चन डील करते हैं आपका इलस्ट्रेशन नंबर फर्स्ट पे आते हैं। इलस्ट्रेशन फर्स्ट पेज नंबर 7.72 इलस्ट्रेशन वन पेज 7.72 क्या कहते हैं। मोहन सोल्ड गुड्स टू गुप्ता ऑन 1 सितंबर 2011। ठीक है जी 1600 रुपीज के 1 सितंबर 2011 को गुड्स बेचे गए 1600 रुपीज के। गुप्ता इमीडिएटली एक्सेप्टेड अ 3 मंथ्स बिल। मोहन ने बिल ड्रॉ किया। सेलर कौन है? मोहन। मोहन ने बिल ड्रॉ किया, गुप्ता ने उसको इमीडिएटली एक्सेप्ट कर लिया, कोई टाइम नहीं लिया। ड्यू डेट पर गुप्ता ने रिक्वेस्ट करी, बायर ने रिक्वेस्ट करी दैट द बिल बी रिन्यूड फॉर अ फ्रेश पीरियड ऑफ 2 मंथ्स। ठीक है जी। गुप्ता ने बोला कि सर मेरे पास पैसे नहीं है देने के लिए, आप मेरे बिल को क्या कर दीजिए, रिन्यू कर दीजिए अगले 2 महीने के लिए। मोहन ने बोला ठीक है जी, बट मैं साथ साथ आपसे 9% का इंटरेस्ट भी चार्ज करूंगा और वो इंटरेस्ट आप मेरे को इमीडिएटली कैश में पे कर देना। क्या करना जी? कैश में पे कर देना। गुप्ता ने बोला कोई दिक्कत नहीं है, वो इंटरेस्ट मैं आपको कैश में पे कर दूंगा। और सेकंड बिल क्या हुआ? ड्यू डेट पर मेट हो गया, मतलब ऑनर हो गया। जर्नल एंट्रीज बतानी है इन द बुक्स ऑफ मोहन। एंट्रीज पास हो गई। आइए जी इन द बुक्स ऑफ मोहन। मोहन कौन है? सेलर है या ड्रॉअर जिसे हम कह सकते हैं, ड्रॉअर हो गया। डेट पर्टिकुलर्स डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट। डेट क्या है? सेल कब हुई थी जी? 1 सितंबर को। 1 सितंबर को सेल करी गई। मोहन ने सेल करी किसको? गुप्ता को। तो एंट्री क्या पास करेंगे? गुप्ता डेबिट टू सेल्स बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट कितने की? 1600। नेक्स्ट गुप्ता इमीडिएटली एक्सेप्टेड अ 3 मंथ्स बिल। सेम डेट पर एक बिल एक्सेप्ट हो गया। बिल ड्रॉ करने की एंट्री बताइए जी। 1 सितंबर को बिल ड्रॉ करने के साथ साथ बिल को एक्सेप्ट भी कर लिया गया। बिल ड्रॉ करने की तो नो एंट्री, बट बिल्स ऑफ एक्सचेंज, वैलिड बिल ऑफ एक्सचेंज कब बनेगा? जब बिल एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। तो एंट्री क्या पास करेंगे? बिल्स रिसीवेबल डेबिट टू गुप्ता कितने? 1600। बींग बिल एक्सेप्टेड बाय गुप्ता। ठीक है जी। आइए नेक्स्ट डेट नेक्स्ट क्या कर रहा हूं? ऑन द ड्यू डेट गुप्ता रिक्वेस्टेड दैट द बिल बी रिन्यूड फॉर अ फ्रेश पीरियड ऑफ 2 मंथ्स। ठीक है जी। ड्यू डेट पे क्या हुआ? गुप्ता ने बोला कि सर मेरे पास पैसे नहीं है देने के लिए, आप मेरे को एक नया बिल दे दीजिए। क्या दे दीजिए? एक नया बिल दे दीजिए। पहले नया बिल देने के लिए पुराना बिल को कैंसिल करना पड़ेगा। ओल्ड बिल इज टू बी कैंसिल्ड। अच्छा ड्यू डेट कह रहा है, ड्यू डेट कब है? 3 मंथ्स का था। अब निकालिए 1 सितंबर 2011 से 3 मंथ्स प्लस 3 डेज का ग्रेस पीरियड। कैसे निकालेंगे? 1 सितंबर प्लस 3 मंथ्स प्लस 3 डेज का ग्रेस पीरियड। इसका एक सिंपल लॉजिक देखिए, अगर 1 सितंबर में 3 मंथ्स ऐड करने हैं और 3 डेज का ग्रेस पीरियड, तो डेट क्या बनेगी? 4th दिसंबर। क्या बनेगी जी? 4th दिसंबर।
4 दिसंबर को बिल कैंसिल कर दिया। फोर्थ दिसंबर को 2011 बिल कैंसिल कर दिया, पुराने वाला बिल कैंसिल कर दिया, तो क्या हुआ, गुप्ता से फिर पैसे लेने बन गए। गुप्ता डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल 1600 बीइंग ओल्ड बिल कैंसल्ड, पुराने वाले बिल को कैंसिल कर गया। अब आगे क्या कह रहा है वो, मोहन एग्रीज प्रोवाइडेड इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 9% वॉज पेड इमीडिएटली इन कैश। वो कह रहा है कि नया बिल तो मिल जाएगा बट आपको 9% इंटरेस्ट भी कैश में पे करना पड़ेगा, 9% का इंटरेस्ट भी कैश में पे करना पड़ेगा। पहले इंटरेस्ट को एक्रू कर लीजिए, इंटरेस्ट को एक्रू कर लीजिए सेम डेट पर। गुप्ता से क्या लेना है, इंटरेस्ट का भी पैसा लेना है। गुप्ता डेबिट टू इंटरेस्ट 1600 का कितना परसेंट है, 9%, कितने महीने के लिए, 2 मंथ्स के लिए। सर ये 2 मंथ्स क्यों, क्योंकि रिन्यूएबल पीरियड जो नया बिल बनेगा वो कितने महीने का, 2 महीने का, तो 2 महीने के लिए उसके पैसे ब्लॉक हो गए। वो कह रहा है 2 महीने का मैं आपसे इंटरेस्ट ब्याज चार्ज करूं 24, और उसने बोला बिल नया दे दूंगा बट इंटरेस्ट आप मेरे को कैश में ही पे कर दीजिए। तो एंट्री क्या पास करेंगे, सेम डेट पर ही बिल दे दीजिए नया, बिल्स रिसीवेबल डेबिट, इंटरेस्ट आ जाएगा कैश में, कैश अकाउंट डेबिट टू, किससे आया सारा का सारा पैसा, गुप्ता से आएगा। गुप्ता से 1600 रुपए का तो बिल का पैसा आना है और 2400 रुपए का इंटरेस्ट आ गया, तो गुप्ता ने 1600 2400 रुपए पे कर दिए। बिंग न्यू बिल एक्सेप्टेड एंड इंटरेस्ट रिसीव्ड। हाँ जी, नया बिल एक्सेप्ट हो गया और इंटरेस्ट को रिसीव कर लिया गया। अब न्यू बिल ड्यू डेट पर ऑनर हो गया, पैसे मिल गए। ड्यू डेट कैसे निकलेगी, 4 दिसंबर में 2 महीने का मंथ्स, 2 मंथ्स का था हमारा डेट ऑफ मैच्योरिटी और 3 दिन का ग्रेस पीरियड, तो क्या निकल गया 12 जनवरी एंड फेब, फेब निकल के आएगा और ये निकल गया 7th फेब। ये कैलकुलेशन तो आप समझ रहे होंगे, सिंपल सी कैलकुलेशन है। On 7th Feb 2012 पैसा मिल गया, कैश अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल बिंग बिल ऑनर्ड ऑन ड्यू डेट कितना जी, 1600। क्लियर है जी? हाँ जी बताइए, क्लियर हुआ? ये था छोटा सा कॉन्सेप्ट ऑन रिन्यूएबल ऑफ बिल, जब नए बिल रिन्यू हो जाते, जब नए बिल आ जाते, पुराने कैंसिल होके नए बिल आ जाते हैं। अब हम एक और कॉन्सेप्ट देखते हैं जिसका नाम है इनसॉल्वेंसी। इनसॉल्वेंसी का मतलब क्या हुआ, ड्यू डेट पे ड्रॉई इन्फॉर्म करता है ड्रॉअर को कि मैं इंसॉल्वेंट हो गया हूं, मैं पैसे नहीं दे सकता, मैं पैसे नहीं दे सकता, मैं इंसॉल्वेंट हो गया, या अगर मैं कुछ पैसे दूंगा तो मैं कंप्लीटली पूरे पैसे नहीं दूंगा, मैं पार्शियल में पे पार्शियल पेमेंट करूंगा। क्या करेंगे जी, पार्शियल पेमेंट, तो इसमें जो लॉस होगा हमारा वो क्या कहलाएगा, बैड डेट्स। क्या कहलाएगा, बैड डेट्स। मान लीजिए 100 रुपीज आपको किसी से मिलने हैं और किसी से मिलना है और वो बोलता है कि पर्सन की हम इंसॉल्वेंट हो गए हैं एंड वी विल पे 40 पैसा, मतलब ही विल पे यू 40%, दैट इज ही विल पे यू ₹40, तो 60 रुपीज क्या हो गए, 60 रुपीज कहलाएंगे हमारे बैड डेट्स होंगे। जिसको पैसा मिल रहा है उसके लिए 60 रुपए का
नुकसान हो गया, डिक्लेयर कर दिया उसने कि मैं इंसॉल्वेंट हूं। और इंसॉल्वेंट ऐसे इजीली डिक्लेयर नहीं किया, नहीं तो हर कोई बंदा इंसॉल्वेंट बोल देगा। इंसॉल्वेंट डिक्लेयर करने की बहुत कॉन्सिक्वेंसेज हैं। सबसे पहले क्या कॉन्सिक्वेंसेज, आपका मार्केट वैल्यू बिल्कुल डाउन हो जाती है, मार्केट वैल्यू बिल्कुल खत्म हो जाती है। दूसरी, कोर्ट से अप्रूव कराने पड़ती है, कोर्ट के अप्रूवल की जरूरत पड़ती है, तो इतनी इजीली इंसॉल्वेंट डिक्लेयर करना भी नहीं होता। ये सब आप पढ़ेंगे लॉ में, अपने जो लॉ पढ़ेंगे, बिजनेस लॉस पढ़ेंगे, कंपनी लॉ पढ़ेंगे, तब आपको पता लगेगा एग्जैक्टली इंसॉल्वेंट कैसे डिक्लेयर किया जाता है, इंसॉल्वेंसी। अब तो इंसॉल्वेंसी का कोड भी आ गया, एक नया लॉ भी आ गया, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, बट वो सब आपको पढ़ने की अभी जरूरत नहीं है। आइए जी, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में इंसॉल्वेंसी का कॉन्सेप्ट देखते हैं हम एक क्वेश्चन के थ्रू, दैट इज आपका इलस्ट्रेशन 7। कुछ नहीं है जी, सिंपल सी एक एक एडजस्टमेंट है और ज्यादा कुछ नहीं है। इलस्ट्रेशन 7 पे है, हाँ जी, दिस पढ़िए पढ़िए जी इलस्ट्रेशन 7। हाँ जी पढ़िए क्वेश्चन। आर ओड ₹1,000 टू एस, ठीक है जी, आर को एस को ₹1,000 देने हैं। आर एक्सेप्टेड अ बिल ड्रॉन बाय एस फॉर एन अमाउंट ऑफ रुपीज फॉर एन अमाउंट एट 3 months। मतलब एस कौन है, सेलर है, और आर कौन है, बायर है। आर ने एस से कुछ गुड्स खरीदे थे, तो आर की लाइबिलिटी बनती है एस को पेमेंट करना। अब क्या करा, एस ने बिल ड्रॉ कर दिया आर के नाम पे, और आर ने उसे एक्सेप्ट कर लिया, तो ये क्या बन गया, एक वैलिड बिल ऑफ एक्सचेंज। उसमें बिल में आर ने प्रॉमिस किया दैट आई विल पे ₹1,000 टू एस आफ्टर 3 months, मैं 3 महीने बाद एस को ₹3,000 दे दूंगा, ठीक है जी। एस गॉट द बिल डिस्काउंटेड विद हिज बैंक फॉर ₹900 ऑन 3rd अक्टूबर 2011। एस ने क्या किया, एस को पैसे की जरूरत थी, एस बैंक के पास गया, एस ने बोला कि ये बैंक, ये बिल है मेरे पास, आप इसको डिस्काउंट कर दो। बैंक ने क्या किया, ₹100 काट कर, अपने डिस्काउंटिंग चार्जेस काट कर ₹900 एस को दे दिए, ठीक है जी। ड्यू डेट से पहले, ड्यू डेट से पहले आर एस के पास आता है और बोलता है कि एस एस मेरे पास पैसे नहीं है, आप ये क्या किए, क्या कीजिए, मेरा बिल रिन्यू कर दीजिए, पुराने वाला कैंसिल करके मेरे को एक नया बिल दे दिए। एस ने बोला ठीक है आर, कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ₹500 तो अभी मेरे को कैश देने पड़ेंगे, साथ के साथ आपको जो मेरे ₹500 ब्लॉक हो रहे हैं अगले 3 महीने के लिए, उसका आपको 12% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, ठीक है जी। आर ने क्या करा, आर मान गया ये चीज, आर कहता है मैं कैश भी दे देता हूँ और इंटरेस्ट भी दे देता हूँ, और आप मेरे को अगले 3 महीने का नया बिल दे दीजिए। एस भी खुश, आर भी खुश। बट जब नेक्स्ट बिल की ड्यू डेट आई, तो वो वाला बिल बाउंस हो गया, डिसऑनर हो गया। आर ने डिक्लेयर कर दिया दैट आई एम इंसॉल्वेंट, मेरा निकल गया है दिवालिया, मैं पैसे नहीं दे सकता। अगर आपको कुछ रिकवर करना ही है कर सकते हो, अगर मैं आपको कुछ दे सकता हूं तो सिर्फ 40% पैसा ही दे सकता हूं, 60% पैसा मैं नहीं दे सकता। इसकी आपको अकाउंटिंग करनी है इन द बुक्स ऑफ एस। एस कौन है, ड्रॉर, जिसने बिल ड्रॉ किया है, यानी कि सेलर, ठीक है जी। आइए जी, अब हम इसकी अकाउंटिंग एंट्रीज करते हैं इन द बुक्स ऑफ एस। क्वेश्चन समझा, हाँ जी लिखिए जी। इलस्ट्रेशन कौन सी है, ये इलस्ट्रेशन 7th है, पेज पेज नंबर क्या है, 7.79। इन द बुक्स ऑफ सेलर, सेलर कौन है हमारे केस में, इन द बुक्स ऑफ, क्या नाम है सेलर का, एस, इन द बुक्स ऑफ एस। एस क्या है, ड्रॉअर भी बोल सकते हैं या सेलर, ड्रॉअर बोलेंगे वो ज्यादा सही रहेगा। जनरल बनाइए जी, डेट पर्टिकुलर्स, डेबिट एंड क्रेडिट, डेट
पर्टिकुलर्स, डेबिट, क्रेडिट। आइए जी, सबसे पहली एंट्री सेल परचेज की, कोई एंट्री नहीं रहेगी, सीधा बिल की एंट्री करनी है। ऑन 1st अक्टूबर 2011 आर एक्सेप्टेड अ बिल ड्रॉन बाय एस, ठीक है जी। 1st अक्टूबर 2011 एस ने बिल ड्रॉ किया, तो एस के लिए क्या हो जाएगा? बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू आर को कितने रुपए से? 1000। बींग बिल एक्सेप्टेड बाय आर, ठीक है जी, आर ने बिल एक्सेप्ट कर लिया। नेक्स्ट, 3rd अक्टूबर को क्या हुआ? एस ने बिल को डिस्काउंट करा लिया। 3rd अक्टूबर को एस को पैसे की रिक्वायरमेंट थी, एस बैंक के पास गया और बोला कि ये बिल को डिस्काउंट कर दीजिए, तो एंट्री क्या पास होगी? बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा आ जाएगा आर के पास, सॉरी एस के पास, 900 रुपीज का। और जो बिल बैंक के पास चला गया उसकी वैल्यू कितनी थी? बिल रिसीवेबल 1000। तो सर 100 कहां जाएगा? 100 क्या हो जाएगा? एस के लिए एक्सपेंस, जिसका नाम हो जाएगा डिस्काउंट। 100 बींग बिल डिस्काउंटेड बाय एस, एस ने बिल डिस्काउंट करा लिया, ठीक है जी। उसके बाद क्या हुआ? बिफोर द ड्यू डेट आर अप्रोच्ड एस फॉर रिन्यूअल ऑफ द बिल, ठीक है जी। ड्यू डेट से पहले, ड्यू डेट से पहले आर एस के पास गया और बोला कि सर बिल को रिन्यू कर दीजिए, बिल को क्या कर दीजिए? रिन्यू कर दीजिए। अगर बिल रिन्यू होगा तो पुराने बिल को क्या करना पड़ेगा? कैंसिल करना पड़ेगा। पुराने बिल को क्या करना पड़ेगा जी? कैंसिल करना पड़ेगा ड्यू डेट से पहले। ड्यू डेट क्या थी? 1st अक्टूबर, 3 महीने का बिल था, 3 दिन का ग्रेस पीरियड ऐड कीजिए, तो 10 से अगर 3 पे जाएंगे तो क्या बनेगा? 11, 12 और जनवरी, दैट इज 01, और डेट हो जाएगी 4। ये समझ रहे ना कैसे कैलकुलेशन हो रही है? तो बन जाएगी 4 जनवरी। 4 जनवरी से पहले हम मान लेते, कोई भी डेट ले लीजिए आप, 4 जनवरी से पहले, लेट अस से 31st दिसंबर को पुराना बिल कैंसिल हो गया। अब पुराना बिल किसके पास है? पुराना बिल तो है किसके पास? बैंक के पास। तो बैंक को कितने पैसे एस देगा? एस कितने देगा बताइए जी? एस बैंक को पे कर देगा 1000 रुपये, और वो लेगा किससे? वो लेगा आर से। एंट्री क्या पास करेंगे? आर डेबिट टू बैंक 1000 रुपये। बींग ओल्ड बिल कैंसल्ड बिफोर ड्यू डेट, एस ने बोला ठीक है जी पुराना बिल कैंसिल कर देते हैं, बट आपको 500 रुपये तो कैश देने पड़ेंगे, और साथ साथ बोलिए जी, साथ साथ जो मेरे 500 रुपए का नया बिल बनेगा उसका 3 महीने का ब्याज भी आपको देना पड़ेगा। तो पहले ब्याज ड्यू हो जाएगा, सेम डेट में एंट्री कर देते हैं। ब्याज ड्यू करने की एंट्री बताइए क्या होगी? आर से पैसा लेना है, किसका? इंटरेस्ट का पैसा, कितना? बीइंग इंटरेस्ट ऑन ₹500 एट द रेट ऑफ, कितना परसेंट है इंटरेस्ट? 12% पर एनम फॉर 3 मंथ्स। 500 पे 12% निकालिए 3 महीने का, कितना हो जाएगा? 15, ठीक है जी। अब नया बिल ड्रॉ कर दिया जाएगा, कौन सी डेट को? न्यू बिल की डेट देखिए क्या है। हाँ जी, न्यू बिल हम उसी दिन से मान लेते हैं, न्यू बिल की डेट 31 दिसंबर से ही ले लेते हैं, ठीक है जी। अब नया बिल जब ड्रॉ होगा, पहले
₹500 तो कैश आ जाएंगे और साथ में इंटरेस्ट भी आ जाएगा, तो एंट्री पास कर दीजिए। बैंक अकाउंट डेबिट टू आर, आर से पैसा आ गया, ₹500 तो कैश आ गया और ₹15 का इंटरेस्ट भी आ गया। बैंक अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम आर, ठीक है जी। अब न्यू बिल ड्रॉ कर दीजिए। नया बिल ड्रॉ करेंगे तो एंट्री क्या पास करेंगे? नया बिल, बिल्स रिसीवेबल, पुराना बिल तो कैंसिल हो गया, खत्म हो गया। न्यू बिल की एंट्री किससे लेना है? आर से। बीइंग न्यू बिल एक्सेप्टेड बाय आर, कितने रुपए का? ₹500 का। कितने रुपए का जी? ₹500 का। अब क्या हुआ, ड्यू डेट पर ये वाला बिल डिसऑनर हो गया क्योंकि आर इंसॉल्वेंट हो गया था। ड्यू डेट क्या बनेगी इसकी? 31 दिसंबर में 3 महीने और 3 महीने, ये क्या हो जाएगा? जनवरी, फेब, मार्च, 3 मार्च, ये मार्च हो गया, और 31 में अगर हम 3 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए? 31 ये हो गया 3, 3rd मार्च हो जाएगी। क्लियर है जी? 3rd मार्च की डेट, 3rd मार्च को जब बिल की मेच्योरिटी डेट आई, 3rd मार्च 2012, तो आर ने डिक्लेयर कर दिया दैट आई एम इंसॉल्वेंट, मैं पैसे नहीं दे सकता, तो क्या होगा? डिसऑनर हो जाएगा। डिसऑनर की एंट्री आर से लेने बनते हैं, अब दोबारा ये रिवर्स एंट्री हो जाती है टू बिल्स रिसीवेबल। कितने रुपए से? ₹500। बींग बिल्ड डिसऑनर, किस वजह से डिसऑनर हुआ? ड्यू टू इंसॉल्वेंसी ऑफ आर। आर क्या हो गया? इंसॉल्वेंट हो गया। अब क्या किया आर ने? बोला कि मैं सिर्फ 40% पैसा ही दे सकता हूं, तो क्या हुआ? उससे 40% पैसा आ गया। बैंक अकाउंट डेबिट कितना? 500 का 40% दैट इज 200। बैड डेट्स हमारे लिए क्या हो गए? बैड डेट्स नुकसान, ₹500 का 60% दैट इज 300। टू आर, आर से पैसा लेना था ₹500 का। बीइंग 40% अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम आर्स एस्टेट, मतलब आर की एस्टेट का मतलब क्या हुआ? आर की प्रॉपर्टी वगैरह बिक गई। इंसॉल्वेंस में क्या होता है, जो भी बिजनेस की असेट्स थी सारी की सारी असेट्स बेच दी गई। असेट्स बेचने के बाद मिस्टर एस को सिर्फ कितना पैसा मिला? 40% पैसा मिला, बाकी 60% क्या हो गया जी? बैड डेट्स हो गया। क्लियर जी? ये है कॉन्सेप्ट ऑफ इंसॉल्वेंसी, समझ में आया? सिर्फ एक छोटी सी चीज इसमें इंसॉल्वेंसी की, जो कि है लास्ट एंट्री, बाकी सारी एंट्री हम पहले ही पढ़ चुके हैं। आइए जी, अब हम अगले कंसेप्ट की तरफ स्विच ओवर करते हैं, जिसका नाम है बिल्स सेंट फॉर कलेक्शन, जिसे हम बोलेंगे बिल्स फॉर कलेक्शन। बिल्स फॉर कलेक्शन का मतलब क्या होता है? बिल्स फॉर कलेक्शन का मतलब हुआ, ड्रॉअर ने जब बिल ड्रॉ किया, ड्रॉइन एक्सेप्ट किया, अब क्या हुआ? ड्रॉअर के लिए क्या हो गया? बिल्स रिसीवेबल हो गया, उसको पैसा मिलना है, बट ड्रॉअर ने बोला कि मैं ये सरदर्दी नहीं ले सकता, मैं ये सरदर्दी नहीं ले सकता। ड्रॉअर बैंक के पास गया और ड्रॉअर ने बैंक को बोला कि बैंक बैंक आप एक काम करो, आप ये बिल रख लीजिए, आप ये बिल रख लीजिए, आप ड्रॉई से रिकवर कर लेना पैसा, आप ड्रॉई से रिकवर करके मुझे पैसा दे देना, आप ड्रॉय से रिकवर करके पैसा मुझे दे देना। तो जब ड्रॉर बिल बैंक को दे देगा तो बैंक को बिल रिसीव मिल जाएगा और ड्रॉर अपनी बुक्स में क्या रिकॉर्ड कर लेगा? बिल्स फॉर कलेक्शन, जिसके अगेंस्ट में उसको पैसा आएगा। तो बिल्स फॉर कलेक्शन कोई नया कंसेप्ट नहीं है, सिर्फ क्या हुआ, बिल्स रिसीवेबल का नाम हमने क्या कर दिया? बिल सेंट फॉर कलेक्शन विद द हेल्प ऑफ अ जर्नल एंट्री, विद द हेल्प ऑफ अ जर्नल एंट्री।
अब देखते हैं इसकी अकाउंटिंग कैसे होती है। हाँ जी, अकाउंटिंग कैसे होगी? सबसे पहली एंट्री व्हेन बिल इज सेंट फॉर कलेक्शन टू बैंक, जब ड्रॉर ने बिल बैंक को भेज दिया कलेक्शन के लिए, तो क्या हो गया? ड्रॉर की बुक्स में असेट हो गया। किस नाम से? बिल्स सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट, डेबिट टू जर्नल एंट्री के थ्रू हमने बिल्स रिसीवेबल को खत्म कर दिया, टू बिल्स रिसीवेबल। ठीक है जी, नेक्स्ट एंट्री, नेक्स्ट एंट्री क्या होगी? व्हेन बिल इज ऑनर्ड, मतलब पैसा मिल गया, बिल इज ऑनर्ड ऑन ड्यू डेट, ड्यू डेट पर पैसा मिल गया, तब क्या एंट्री पास करी जाएगी? जब ड्यू डेट पर पैसा मिल जाएगा तो हमारे पास तो पैसा आ जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट, बट हमारे पास किस चैनल से पैसा आएगा? हमारे पास किस चैनल से पैसा आएगा? बिल्स रिसीवेबल किसके पास है? बैंक के पास है। बैंक को पैसा मिलेगा ड्रॉई से और बैंक हमें पैसा दे देगा, बैंक हमें पैसा दे देगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स सेंड फॉर कलेक्शन, हमें बिल्स सेंड फॉर कलेक्शन के अगेंस्ट में पैसा मिलना। थर्ड केस ये भी हो सकता है, अगर व्हेन बिल इज नॉट ऑनर्ड, जब बिल ऑनर्ड नहीं हुआ, डिसऑनर हो गया, जब ड्रॉई पैसे नहीं दे पाया, तो एंट्री क्या पास करेंगे? ड्रॉई से जो पहले पैसे लेने थे, हमने बिल्स रिसीवेबल ले लिया था, उसे बीआर ले लिया था, अब ड्रॉई से फिर दोबारा पैसे लेने बन गए, और क्रेडिट किसे करेंगे? जो हमने पहले असेट बनाई थी बिल्स सेंड फॉर कलेक्शन, उसको खत्म कर देंगे, तो बिल्स सेंड फॉर कलेक्शन। क्लियर जी? यही तीन एंट्री किसके लिए? कंसेप्ट के लिए, बिल्स सेंड फॉर कलेक्शन। बिल्स सेंड फॉर कलेक्शन इज नथिंग बट अ बिल रिसीवल, बिल रिसीवल का ये दूसरा नाम है बिल सेंड फॉर कलेक्शन, जिसको हमने जर्नल एंट्री के थ्रू नाम दे दिया, क्या? बिल सेंड फॉर कलेक्शन। और कौन सी जर्नल एंट्री जी? ये वाली जर्नल। बताइए जी, कहानी क्लियर? इसमें कोई क्वेश्चन नहीं करने की जरूरत, एक ही एंट्री के लिए मैं क्वेश्चन कोई कराना नहीं चाहूंगा। नेक्स्ट कंसेप्ट इज योर रिटायरमेंट ऑफ बिल्स। रिटायरमेंट ऑफ बिल्स, रिटायरमेंट ऑफ बिल्स का मतलब क्या हुआ? रिटायरमेंट ऑफ बिल्स का मतलब क्या हुआ? रिटायरमेंट ऑफ बिल्स का मतलब जब ड्रॉअर ने बिल ड्रॉई ड्रॉअर ने ड्रॉई को बिल दिया और ड्रॉई ने एक्सेप्ट किया, वैलिड बिल ऑफ एक्सचेंज बन गया। अब ड्रॉई बोलता है कि भैया 3 महीने का, मान लीजिए 3 महीने का ड्यू डेट थी, 3 महीने का पीरियड था, ड्रॉई ने बोला कि मेरे पास तो पैसे आज ही हैं, आप एक काम कीजिए, ड्यू डेट से पहले ही मेरे पास पैसे का अरेंजमेंट हो गया, आप पैसे ले जाइए, बट आप मेरे को कुछ इस पर डिस्काउंट दे देना, आप मेरे को कुछ इस पर डिस्काउंट दे देना, या फिर ड्रॉअर अगर खुद अपनी मर्जी से चाहे भी तो डिस्काउंट दे देगा। क्यों डिस्काउंट दे देगा? क्योंकि क्योंकि जब ड्रॉई एडवांस में कुछ पैसा दे देगा तो उसका भी तो इंटरेस्ट कॉस्ट चला गया, और वो इंटरेस्ट कॉस्ट को कवर करना चाहेगा किससे? जो ड्रॉअर से डिस्काउंट मिलेगा उससे वो कवर करना चाहेगा, जिसे बोलेंगे एक तरीके से रिबेट मिल गई, उसे जल्दी पैसा देने की रिबेट मिल गई। इस कंसेप्ट को हम एक क्वेश्चन के साथ देखते हैं, आपकी बुक के इलस्ट्रेशन 13th एंड 14th, 13 इज फॉर ड्रॉअर एंड 14 इज फॉर ड्रॉई, दोनों के लिए हम सेम इलस्ट्रेशन है, हम इकट्ठे सॉल्व करेंगे। इलस्ट्रेशन 13th एंड 14th, आप इसके लिए रेफर कर लीजिएगा पेज नंबर 7.86 एंड 7.87। हाँ जी, टेबुलर फॉर्म में बना लेते हैं। हाँ जी, टेबुलर फॉर्म में ही बना लेते हैं, डेट्स हैं क्वेश्चन में। हाँ जी, डेट्स लिया, तो जी डेट हो गई, आइए पढ़िए जी क्वेश्चन, इलस्ट्रेशन 13 पढ़ लेते हैं। ये क्वेश्चन है,
1st January 2011, Vilas draws a bill of exchange for ₹10,000 due for payment after 3 months on Eknath. ठीक है जी, विलास कौन हो गया? ड्रॉर हो गया यानी कि सेलर, और एकनाथ क्या है? ड्रॉई यानी कि बायर। विलास ने बिल ड्रॉ किया ₹10,000 का और 3 महीने का एकनाथ के ऊपर, और एकनाथ ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, तो 1 जनवरी 2011 को वो क्या बन गया? बिल ऑफ एक्सचेंज बन गया। 4th मार्च 2011 को एकनाथ रिटायर्स द बिल ऑफ एक्सचेंज एट अ डिस्काउंट ऑफ 12% पर एनम। एकनाथ ने क्या करा? 12% पर एनम के डिस्काउंट पर पैसा जल्दी दे दिया। पैसा क्या किया जी? जल्दी दे दिया। 3 महीने का पैसा था, मार्च में ही दे के खत्म किया। आइए जी करें सॉल्व। हाँ जी, इन द बुक्स ऑफ विलास ड्रॉर कौन है? विलास। इन द बुक्स ऑफ विलास एंड इन द बुक्स ऑफ एकनाथ ड्रॉइंग। ठीक है जी, डेट 1st जनवरी 2011, विलास ड्रॉज अ बिल ऑफ एक्सचेंज फॉर ₹10,000 ड्यू फॉर पेमेंट आफ्टर 3 मंथ्स ऑन एकनाथ। ठीक है जी, 1st जनवरी 2011 को बिल ड्रॉ किया गया, तो विलास के लिए क्या हो जाएगा? बिल्स रिसीवेबल डेबिट टू एकनाथ। हाँ जी, कितने का है? 10,000। और एकनाथ के लिए क्या हो जाएगा? बिल्स पेबल विलास डेबिट टू बिल्स पेबल 10,000 बींग बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड। इसमें भी सेम नरेशन लीजिए, इसमें लिख दिया बिंग बिल एक्सेप्टेड। देन ऑन 4th मार्च 2011, एकनाथ रिटायर्स द बिल ऑफ एक्सचेंज एट अ डिस्काउंट ऑफ 12% पर एनम। ठीक है जी, एकनाथ ने क्या किया? बिल की पेमेंट 4th मार्च को ही कर दी। पहले तो ये देखिए, 1st जनवरी से कितने मंथ का था? 3 मंथ्स का। 3 मंथ्स का तो मैच्योरिटी डेट क्या बनेगी? 3 मंथ्स प्लस 3 डेज ऑफ ग्रेस, दैट इज 4th अप्रैल। 4th अप्रैल की जगह पेमेंट होगी 4th मार्च को, तो यानी कि 1 महीने का उसे ब्याज मिल जाएगा। 1 महीने का फायदा हो गया, 1 महीने का फायदा हो गया 12% पर एनम के हिसाब से 4th मार्च 2011। क्या हुआ जी? विलास को तो पेमेंट मिल गई, विलास को क्या मिला? पैसा मिल गया, बैंक अकाउंट डेबिट। विलास के लिए क्या हुआ? विलास के लिए क्या हुआ बताइए जी? एकनाथ ने 1 महीने पहले पेमेंट कर दी, तो एकनाथ के लिए तो फायदा हो गया, डिस्काउंट मिल गया उसे, बट विलास के लिए क्या हो गया? वो डिस्काउंट एक्सपेंस हो गया, क्योंकि उसने डिस्काउंट अलाउ किया, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। अब डिस्काउंट का अमाउंट कैसे निकलेगा? डिस्काउंट इज इक्वल टू 10,000 का 12% 1 महीने के लिए, क्या आ जाएगा? 100। ठीक है जी, बैंक में कितना पैसा आएगा? 9,900। 100 रुपीज का क्या हो गया? एक्सपेंस हो गया, और 10,000 रुपये का हमारा ब्याज। बीइंग बिल रिटायर्ड मतलब टाइम से पहले पेमेंट होगी। क्या हुआ जी? टाइम से पहले पेमेंट होगी। अब एकनाथ ने क्या करा? एकनाथ के लिए लाइबिलिटी थी बिल्स पेबल, वो खत्म कर देगा, बिल्स पेबल ओवर कर दिया उसने 10,000 का। जेब से कितने पैसे गए उसके? 9,900। तो 100 रुपए का क्या हो गया? उसकी उसकी क्या हो जाएगी? 100 रुपए की डिस्काउंट गेन का। क्या हो जाएगी? टू डिस्काउंट गेन का, दैट इज
₹100। बींग बिल रिटायर्ड। क्लियर है जी, बताइए। रिटायरमेंट ऑफ बिल का कंसेप्ट क्लियर हुआ। एक ही एंट्री क्या, अगर टाइम से पहले पैसे दे दिए तो विलास के लिए क्या हो जाएगा, ड्रॉर के लिए क्या हो जाएगा, ड्रॉर के लिए डिस्काउंट एक्सपेंस हो जाएगा, और अगर एक नाथ के लिए ड्रॉई के लिए वो सेम चीज क्या बन जाएगी, इंटरेस्ट इनकम बन जाएगी। स्वाहा। हमारा यहाँ पर चैप्टर बिल्स ऑफ एक्सचेंज का खत्म होता है। हाँ जी सर, आपने पूरे मंत्र पढ़ दिए समझाने के लिए मंत्र भी पढ़े जाते हैं। देखिए चलिए, यहाँ पर हमारा बिल्स ऑफ एक्सचेंज का कॉन्सेप्ट खत्म होता है। अब हमें इसके एमसीक्यूज देखने हैं। एमसीक्यूज हैं देखो दोस्तों, लगभग मेरे ख्याल से 59 या 60 के आसपास एमसीक्यूज हैं। मैं ये चाहूंगा कि आप एमसीक्यूज को होमवर्क में कीजिए। नेक्स्ट क्लास में आई विल अंडरटेक इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, जो भी इंपॉर्टेंट होंगे ना वो सारे मैं कवर कर लूंगा क्लास में सारे। आपको ही पता है कि 59 के 59 में कराने लग जाऊंगा तो टाइम वेस्ट होगा, कोई फायदा नहीं है। ठीक है जी, तो यहां पर हम नेक्स्ट क्लास में इसके एमसीक्यू को कंप्लीट करेंगे। अब दोस्तों मौका, टाइम, मॉडल टेस्ट पेपर का आ चुका है, मॉडल टेस्ट पेपर्स का टाइम आ चुका है। इंस्टीट्यूट के जितने भी मॉडल टेस्ट पेपर है दोस्तों, अब आप काफी कोर्स कंप्लीट कर चुके हैं तो साथ साथ मॉडल टेस्ट पेपर को सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। देखिए दोस्तों, अगर वो छोड़ देंगे तो आप ये मान के चलना आपने सिर्फ 60% ही तैयारी करी है। तो मॉडल टेस्ट पेपर सर 40%। जी हाँ, मॉडल टेस्ट पेपर से आपको क्वेश्चन पढ़ने का तरीका पता लगेगा, किस टाइप के क्वेश्चन है, कैसे अटेम्प्ट करने हैं, कैसे आंसर ढूंढने हैं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी आपको पता है गलत आंसर पे। तो दोस्तों ये सारी चीज आपको मॉडल टेस्ट पेपर से क्लियर होंगी। तो मॉडल टेस्ट पेपर जरूर करना स्टार्ट कीजिए, जो जो हम टॉपिक्स करा चुके हैं। ठीक है जी, सो फिर हमारी चर्चा बिल्स ऑफ एक्सचेंज के यहीं पर ही खत्म होती है। रिवीजन करिएगा पूरे चैप्टर का, एमसीक्यूज करिएगा, मॉडल टेस्ट पेपर करिएगा, रिवाइज करते रहिए कोर्स को साथ साथ। नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे, एमसीक्यूज से स्टार्ट करेंगे और एक अपना नया टॉपिक स्टार्ट कर देंगे। ठीक है जी, ओके दोस्तों, फिर मिलेंगे आप लोगों से अगली क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, बाय बाय।